हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सुबह सुबह ये टेंशन हो रही हो कि बच्चों के टिफिन में क्या बना के दे जो खाने में हल्का फुल्का भी हो और साथ में हेल्दी भी, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, एक कप हम ले लेंगे सूजी, इसमें लगभग आधा कप डाल देंगे हम दही। अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं, जिससे सूजी जल्दी से फूल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब बैटर ने 15 से 20 मिनट अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब इसमें वेजीज को ऐड कर लेंगे ताकि ये हेल्दी बने। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं कॉर्न, यानी कि मक्के के दाने। आप चाहे तो कोई भी अपनी पसंद की वेजीज ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं थोड़े से गाजर बारीक कटी हुई, साथ में प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डाल देंगे लगभग आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे नमक और इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, जितनी वेजीज डालेंगे उतना ज्यादा हेल्दी होगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें लगा लेंगे सबसे पहले हम तड़का। तो तड़के के लिए हमने ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी मस्टर्ड सीड और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और करी लीव्स भी डाल देंगे। अच्छा सा तड़का लगा देंगे अब इसमें। तड़के को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़े से टमाटर, जिसे हमने बारीक कट कर लिया था। सारी चीजें ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो आप वही डालें। अब इसमें डाल देंगे हम लगभग 1/4 चम्मच इनो, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लफी बने। अब सबको मिक्स कर लेंगे और अप्पे पैन को गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल अब अप्पे पैन में बैटर को डाल देंगे। हमें कुछ इसी तरीके से बैटर को भरना है ताकि जब ये फूले तो ये ऊपर तक आ जाएं। अब बस हमें इसे ढक देना है और 2 मिनट तक के ढक के पकने देना है। अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इन्हें अच्छे से चम्मच की हेल्प से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ही लाना है। तो सारे अप्पों को अच्छे से पलट लेंगे। अब हमारे अप्पे अच्छे से सिक चुके हैं तो इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में। एक एक करके हम सारे अप्पे को निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें और भी अप्पे अब बना लेने हैं।
तो लीजिए, हमारे फुली वेजीज वाले अप्पे बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो थी ना बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्दी रेसिपी, तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।